जे सी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है तो आज के इस सेशन में हम लोग ये एक नोटिस उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे क्लर्क टेन प्लस टू भर्ती 2023 जैसा कि ये क्लर्क लेवल पर ये भर्ती आने वाली है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं तो ये टेन प्लस टू इंटर स्तरीय ये भर्ती रहने वाली है तो इसमें हिंदी टंकन मांगा गया है बहुत सारे कैंडिडेट का ये बैक टू बैक कमेंट देखने को मिल रहा था आखिरकार इसकी जो वैकेंसी आने वाली है तो कितने पदों पर इसकी वैकेंसी आने की ये संभावना है तो वहीं पे मैं आप लोग को इसके रिगार्डिंग तो आप लोग को वहाँ पे इसका आंसर भी नहीं दिया जा रहा था बिकॉज़ इसके रिगार्डिंग कुछ उस समय जानकारियाँ प्राप्त नहीं थी बट अभी इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि आप लोगों का सबसे पहले हम लोग इसमें पदों की संख्या की बात करते हैं तो एक हज़ार प्लस पदों की संख्या इसमें आप लोग को देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी आनी ये निश्चिंत है वैकेंसी तो आएगी ये तो कंफर्म है बट इसका एग्जामिनेशन कब होगा वो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ ये डेट कंफर्म नहीं बता सकता बिकॉज इससे पहले जो कैलेंडर में जारी की गई है सारी वैकेंसियाँ उनका तो अभी तक कंफर्म डेट ही नहीं हुआ है तो आखिरकार इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है तो इसका एग्ज़ाम डेट को हम लोग को तय करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जैसा कि और वैकेंसी की रही बात तो वैकेंसी इसका कन्फर्म है हंड्रेड प्रतिशत कि इसकी वैकेंसी आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगी कैलेंडर में यदि हम लोग बात करते हैं तो जो जे सी आयोग के तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था कुछ ही दिन पहले उस कैलेंडर में भी जितने भी तमाम वैकेंसियाँ जे आयोग के द्वारा उस कैलेंडर में ली गई थी उन सारे वेकेंसियों का और इससे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे जो महिला पर्यवेक्षिका भर्ती है उसका भी कैलेंडर में देखने को मिला था जिक्र किया गया था तो उसका भी नोटिफिकेशन हम लोग को कुछ ही दिन पहले देखने को मिल चुका है अब रही बात तो कैलेंडर में सिर्फ एक ही भर्ती बच चुकी है उन पंद्रह वैकेंसियों में से वह हमारी वैकेंसी है यही जैसे सी क्लर्क की वैकेंसी तो निश्चिंत रहिए इसका भी वैकेंसी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा अभी इसका नोटिफिकेशन आने में डिले का सबसे बड़ा यही फैक्टर रीज़न है कि जे आयोग के जो अध्यक्ष है वो बदले गए हैं सुधीर त्रिपाठी जो पूर्व जे अध्यक्ष रह चुके थे और अभी नए अध्यक्ष हैं आप लोग के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भी तो इनके द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है इसी वैकेंसी को लेकर के और तमाम जे के जितने भी वैकेंसियाँ हैं उनको लेकर के तो जैसा कि अभी कल का ही नोटिस आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ये नोटिस जारी किया गया है जे सी सी सीजल के रिकॉर्डिंग तो कैलेंडर में जारी किया गया था कि कैलेंडर में लिखा गया था ये साफ साफ तौर पर कि चौदह पंद्रह अक्टूबर की आप लोगों की एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट ये जे आयोग के द्वारा ही बताया गया था सीजियल एग्जामिनेशन डेट को लेकर के बट इसमें आप देख सकते हैं एक नोटिस फिर से पुनः जारी किया गया है आयोग की तरफ से और ये देखिए चौदह पंद्रह अक्टूबर से ले गया है सोलह सत्रह दिसंबर यानी कि प्रॉपर देखा जाए इसमें तो दो मंथ का डिले हम लोग को देखने को मिला है और उसमें कितना डिले होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा वाकई में एग्जामिनेशन उस डेट में या फिर फिर वहाँ से हम लोग को डिले देखने को मिलेगा और इस डिले होने का कारण भी एक बड़ा रीज़न यही है कि आयोग के बदलाव होने का कारण क्योंकि ये जो नीरज सिन्हा जी हैं ये पहले डीजीपी पद पर थे कार्यरत और अभी ये हाल में बदी हम लोग बात करते हैं तो अध्यक्ष के पद पर इन्हें दिया गया है तो इनका जो आयोग में जो वर्क होता है ऑफिशियल वर्क तो उसको समझने के लिए थोड़ा इन्हें समय चाहिए क्योंकि ये इस फील्ड में थोड़ा नए हैं तो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या आयोग किस प्रकार वर्क करती है क्या करती है तो वो सब समझने के लिए थोड़ा इन्हें समय की ज़रूरत है इस कारण उसी को देखते हुए जो भी वैकेंसी है सीजल का उसका डेट काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया है जो कि दिसंबर में और इतना एक्सपेंड कर दिया गया है तो ये समझिए आप लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये तो पहले ही पुलिस के पद में डी तो आप समझ सकते हैं जो कि सबसे बड़ा पोस्ट होता है पुलिस के पद में पहले ही रह चुके हैं तो इस वैकेंसी को जैसा कि ये एक ही सिर्फ इसका मेंस एग्ज़ामिनेशन होना है और वो भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना है तो इसमें काफ़ी चीट होने की प्रबल संभावना है तो उस संभावना को देखते हुए इनके द्वारा ये इतना समय लिया गया है ताकि हम लोग इस एग्ज़ामिनेशन को बिना किसी इस प्रकार के चीट के या फिर बिना किसी त्रुटि के हम लोग इस एग्जामिनेशन को बहुत ही फ्रेश साफ़ सुथरे तरीके से कंडक्ट करवा सके इस कारण से इनके द्वारा ये एक बड़ा समझिए कि लिया गया है एक्शन इसीलिए इतना समय इंटरवल आप लोग को देखने को मिला है और कोई रीज़न नहीं आप लोग इसमें बहुत सारे आप लोग नेगेटिव भी निकाल सकते हैं कि डेट बढ़ते जा रहा है इसका तेईस में भी नहीं होगा चौबीस में भी नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है कैलेंडर में जो दे दिया गया है उस कैलेंडर के मुताबिक इसके एग्जामिनेशन आप लोग को तेईस चौबीस में ही होंगे बाक़ी जो कैलेंडर में मेंशन नहीं है जैसे कि हम लोग अलेवन्थ जे बात करते हैं या फिर दरोगा की बात करते हैं या झारखंड पुलिस की बात करते हैं इस प्रकार जो बड़ी भर्तियाँ हैं झारखंड पुलिस का झारखंड दरोगा का भी एक हज़ार समथिंग वैकेंसी है तो वो कैलेंडर में जिक्र नहीं किया गया है तो भले वो वैकेंसी को हम लोग इस नज़र से देख सकते हैं कि इस कार्यकाल के दौरान उसकी वैकेंसी नहीं आएगी मैं किसी आप लोगों को पर्दे में भ्रम में नहीं रखना चाहता इस प्रकार कि इसकी भी वैकेंसी दरोगा की वैकेंसी झारखंड पुलिस की भी वैकेंसी आएगी इसको उसका वैकेंसी इस कार्यकाल के दौरान आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा इतना तो कन्फर्म है क्योंकि कैलेंडर में जो दस बारह वेकेंसियाँ दी हुई हुई है इनको अभी तक ये कंप्लीट करा नहीं सके हैं एग्जामिनेशन तो वो नई भर्तियों के किस प्रकार एग्जामिनेशन कराएंगे ये सोचने वाली बात है तो रही बात इस क्लर्क वैकेंसी की तो इसमें पदों का बात करते हैं तो एक हज़ार प्लस पद आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल रहा है और इसका नोटिफिकेशन इनफैक्ट यहाँ तक कि आप लोग को अक्टूबर के पहले या दूसरे वीक में ही थोड़ा उनको समय लगेगा ऑफिशियल वर्क में किस प्रकार क्या काम करती है ये आयो तो वो समझ जाएंगे ये एक दो सप्ताह में और देन आफ्टर आप लोग का अक्टूबर में ही फर्स्ट सेकेंड वीक में ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सो जो भी कैंडिडेट यदि पहले से ही डेडिकेटेड है और हाँ यदि आप स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो सभी एग्जामिनेशन को आप फिट कीजिए सभी एग्जामिनेशन को आप फाइट कीजिए यदि आप फिजिकली समझिए कि स्वच्छ हैं तो आप डिफेंस कैटेगरी में भी जाइए एज आप लोगों का बचा है तो साथ ही साथ इस कलर को भी और जे सी सीजल को भी आप लोग सभी एग्जामिनेशन में फाइट कीजिए क्योंकि यदि स्टेट में एक एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं तो ये आप लोगों के लिए आने वाले समय में थोड़ा ये बहुत ही बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ का आयोग के साथ साथ सरकार की किस प्रकार से कारनामा अभी हो रही है सो और हाँ निश्चिंत रहिए इसके जो इस कार्यकाल को जैसे ही बीतेगा तो आने वाले कार्यकाल में भी आप लोग के एग्जामिनेशन होंगे वैसा नहीं है आप लोग ये मत समझने लगेगा इतना नेगेटिव मोरल डाउन कर लीजिएगा कि अब स्टेट में एग्जामिनेशन ही नहीं होगा सो वैसी बात नहीं है ये सरकार थोड़ी इस प्रकार की है कि हम लोग क्या कह सकते हैं इन्हें कुछ कहना भी हमारे लिए समझिए कि व्यर्थ समय है इनके बारे में कुछ कहना भी हमारे लिए व्यर्थ ही है टेम पास ही है ऐसी ये सरकार है तो आप लोग लगातार यदि आप स्टेट के तरफ ही फोकस किए हुए हैं तो आप स्टेट के एग्जामिनेशन में निरंतर लगे रहिए थोड़ा आप लोगों को हताशा निराशा का हाथ का सामना करना पड़ेगा लेकिन निश्चित ही आने वाले समय में आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी भले आप लोगों को इसमें थोड़ा गैप थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को परिश्रम करना होगा ज़्यादा आप लोगों को धैर्य रखना होगा और ये धैर्य कोई एक दो मंथ का नहीं ये आप लोग को वर्षों में भी रखना पड़ सकता है तो यदि आप सिर्फ़ स्टेट के लिए फोकस हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य को बनाए रखना होगा बाकी जो कैंडिडेट यदि सेंटर की तरफ मूव कर चुके हैं या फिर मूव करने के लायक हैं यदि आप वहाँ पे भी फाइट कर सकते हैं तो आप निश्चिंत होकर के सेंटर की तरफ मूव कीजिए और वहाँ के भी एग्जामिनेशन को आप लोग देखते जाइए साथ, साथ में बैक टू बैक क्योंकि जो मैथ सिलेबस मैथ रीजनिंग ये तो जनरल ही है जो यहाँ पढ़ना है सो तो वहाँ पे पढ़ना है जीके जीएस भी दोनों जगह सब सेम ही है बट यहाँ पे कुछ है कि झारखंड जी के वो तो आप यहाँ की रणनीति देख ही सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट देता है कुछ और होता है कुछ तो यहाँ पे आप लोग को यदि दो मंथ भी समय लगेगा तो आप दो मंथ में अच्छे से ही ये झारखंड जी और पेपर लैंग्वेज पेपर जो भी आप चूज़ करेंगे उसको अच्छी तरीका से आप लोग तैयारी कर सकते हैं बाकी इसके अलावा जो मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस है उस पर आप लोग पकड़ बना के रखिए ताकि कम समय में मिलेगा तो उसमें आप झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर को आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं और हाँ इसमें बात करते हैं हम लोग तो इसमें आप लोग को चार वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा ये जो कलर की वैकेंसी है चार वर्ष का जैसा कि यदि हम लोग जनरल कैटेगरी में लेते हैं तो जनरल कैटेगरी में मान लिया सत्ताईस वर्ष इसमें मैक्सिमम वर्ष रखा गया है तो नोटिफिकेशन यदि निकलना है तो दो अगस्त दो हज़ार तेईस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में ये मेंशन रहता कि अगस्त दो हज़ार तेईस तक जिनका उम्र हो चुका है यानी कि तेईस वर्ष करोस सत्ताईस वर्ष क्रॉस कर चुके हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते लेकिन नहीं ये आप लोगों का डेट कब से काउंट किया जा रहा है तो दो हज़ार उन्नीस से यदि आपकी उम्र 27 वर्ष अगस्त 2019 में ही हो चुकी है मान लिया जाए कि सितंबर 2019 में आप लोग का 27 वर्ष हो चुका है तो उसके बावजूद भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं यदि आपका 2022 में 27 वर्ष पूरा है या 2021 में 27 वर्ष पूरा है या अभी आप लोग का 2023 में 27 वर्ष पूरा है इससे कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप लोग को इसमें चार वर्ष का एज रिलैक्सेशन जैसे कि और भी वैकेंसियाँ में देखने को मिल रही है जो भी वैकेंसी जारी की जा रही है जे सी की तरफ से तो सभी में चार वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है ये थोड़ा यहाँ पे एक समझिए कि पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया में जा रहा है 2019 आप लोगों को दिया जा रहा है कि आपका अधि उम्र 2019 में ही ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं आप लोगों को चार वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है तो यही इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को एक बिग अपडेट न्यूज़ देना था और साथ ही साथ क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है किस कारण से एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसको जो सही ऑथेंटिक न्यूज़ है उस चीज़ पर फोकस कीजिए और पॉजिटिव सोचिए तो अभी सीजल का एग्जामिनेशन डिले होने का यही पॉजिटिव सोच रखिएगा ये पॉजिटिव ही नहीं बल्कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है क्योंकि अभी यदि आप लोग को भी जैसे किसी भी फोर्स में भी आप लोग देखते होंगे सबसे पहले छः मंथ का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है छः मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है उसके स्किल उनको डेवलप करने के लिए कि आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको ये ये कार्य करने होंगे उसके कारण से छः मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है तो यही ये समय है तो समझिए कि अब ये पहले डीआईजी थे डीजीपी पहले रह चुके हैं तो आप समझिए अचानक इनको अध्यक्ष का भार दे दिया जाए और वो भी एक स्टेट के आयोग का तो उनके लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए मोहलत चाहिए कि आखिरकार आयोग किस प्रकार से काम करती है किस प्रकार से वैकेंसीयों का एग्ज़ामिनेशन क्या कुछ कराने का जो वर्क है वो किस प्रकार का ऑफिशियल वर्क इसमें वर्क होता है सो तो बिना वो समझिए कि ट्रेनिंग लेते हुए तो आप पहले से तो ये ट्रेनिंग ले नहीं चुके हैं कि इस प्रकार से वर्क होता है तो वही एक न्यूज़ है यानी कि वही एक सबसे बड़ा फैक्टर रीज़न है एग्जामिनेशन का डिले होने का बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है वो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा